हे गाइस, फाइनली आईपीएल का जो ऑक्शन है ख़त्म हो गया है और मैं ना एक्चुअली बहुत हैप्पी हूँ। मतलब जिस हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स ने पूरे जो टी जो भी सारे प्लेयर्स चूज़ किए हैं, मैं पिछले 2 दिन से कल मॉर्निंग से जब से आईपीएल के जो ऑक्शन स्टार्ट हुए तब से मैं अपने हॉट स्टार पर लगा हुआ एंड कंटिन्यूसली आई हैव बिन फॉलोइंग इट। तो स्टार्टिंग में जब मुझे लगा ना, मतलब थोड़े सा वियर्ड स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो मुझे लगा था कि अरे उनको तो हमने जाने दिया। फॉर एग्जांपल श्रेयस अय्यर की जो बिड थी वो ठीक थी, लेकिन उसके बाद जैसे क्विंटन डिकॉक था और डेविड वॉर्नर है, मुझे लगा अरे यार इनको तो लेना चाहिए था। जिस प्राइस पे वो बिड हुए, मतलब जो उनकी फाइनल बिड हुई थी तो वो उतना नहीं हुआ था। तो जैसे फॉर एग्जांपल डेविड वॉर्नर का भी कुछ 4 करोड़ हुआ था, क्विंटन डिकॉक का भी कुछ 7-8 करोड़ का था, और फिर श्रेयस अय्यर हमने पूरा जो था वो तो 13 करोड़ हुए हैं। तो मुझे लगा, मतलब कल के आखिर दिन तक मुझे लगा यार शायद यार 1-2 प्लेयर्स ही चूज़ किए। और शिवम मावी मतलब था कि मतलब उसको भी 8 करोड़ में ले लिया, लेकिन उमेश यादव एक ऐसा प्लेयर था उसको छोड़ दिया। तो और यहाँ की है ना, मतलब पूरे जो पर्स था, टोटल जो पर्स था केकेआर का, वो भी चला जा रहा था। फिर मैं कल डाउट में था, क्या पता हमारा जो विकेट कीपर है वो कौन होगा। तो जैसे जॉनी बेस्ट होता, उस पर ट्राई नहीं किया केकेआर ने। उसके बाद पूरन पे थोड़ा बहुत ट्राई किया लेकिन गिव अप कर दिया। लेकिन अभी जस्ट फाइनल आईपीएल का जो पूरे जो ख़त्म हो गए और अभी जो टीम्स बन के आ रही है, तो ना मुझे बहुत सही लग रहा है। मतलब कुडूज टू वेंकी सर, मतलब जो उनका जो स्ट्रैटेजी थी, जो टैक्टिक्स था, थोड़ा पेशेंस भी रखा, और जो सारे एक्सेलरेटेड बाद में जो अनसोल्ड हुए थे उनको कैसे एक और बार जो स्ट्रैटेजी बेसिकली थी, तो मुझे ना बहुत बहुत सही लगा सच में यार। तो अभी जैसे हमारी टीम बन के आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कोलकाता नाइट राइडर्स के कौन कौन से प्लेयर्स है। अभी एंड्रयू रसेल तो पहले से था, सुनील नारायण है, वेंकटेश अय्यर है, वरुण चक्रवर्ती है, नीतीश राणा है, पैट कमिंस है, श्रेयस अय्यर है, शिवम मावी है, शेल्डन जैक्सन है, अजिंक्य रहाणे है, रिंकू सिंह है, अंकुल रॉय, राशिक सलामडार, बाबा अपरजीत, चमिका करुणोती, अभिजय तोमर है, प्रथम सिंह है, अशोक शर्मा है, सैम बिलिंग्स है, एलेक्स हेल्स है, टिम सऊदी है, रमेश कुमार है, मोहम्मद नबी है, उमेश यादव है एंड अमन खान है। तो ये मुझे लगता है बहुत बहुत सही वाला स्क्वाड चूज़ किया है, 25 लोगों का मेंबर है। और उसमें जब अभी जस्ट मैं कैलकुलेट कर रहा था, तो मैं एक लिस्ट बना रहा था कि हमारे जो प्लेइंग अलेवेंस है वो कौन कौन के हो सकते हैं। तो उसमें मैंने लगा दिया एग्जांपल हमारी जो ओपनिंग बैट्समैन होंगे वो वेंकटेश अय्यर होगा, या तो फिर अजिंक्य रहाणे होगा, या हेल्स हो सकता है, एलेक्स हेल्स हो सकता है, फिर वन डाउन आ सकता है नीतीश राणा आ सकता है, सेकेंड डाउन फिर श्रेयस अय्यर आ सकता है, फिर उसके बाद जो हमारे विकेट कीपर बैट्समैन होते हैं तो वो मुझे लगता है, तो मुझे लगता है सैम बिलिंग्स होंगे, सैम बिलिंग्स फॉर श्योर। और वो मुझे ना एक अच्छा, बहुत अच्छा बिड लगा कि जो सैम बिलिंग्स को पहले जाने दिया और लेटर ऑन जो फिर स्क्वाड में आते हैं ना, एक और जो भी अनसोल्ड प्लेयर्स होते हैं उनको एक और बार सोल्ड करके जो सैम बिलिंग्स ही, तो मुझे लगता है वो एक अच्छा भाई था केकेआर के लिए। फिर उसके बाद रसल आ सकते हैं, और उसके बाद दूसरी एक हमारी जो बिट थी जो नबी की थी, तो या तो नबी आ सकते हैं या तो फिर सुनील नारायण आ सकते हैं उस वाले पोजीशन। फिर बॉलर्स में मुझे लगता है कमिंस हो सकता है, वरुण चक्रवर्ती होगा, और उमेश यादव और शिवम मावी, तो ये वाले लोग होंगे। तो मुझे लगता है ना ओवरऑल जो हमारी प्लेइंग अलेवेंस होगी ना वो टक्कर वाली होगी, टक्कर देने वाली होगी फॉर श्योर। कल शाम तक मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये क्या क्या हो क्या रहा है यार, मैं बहुत डिसअपॉइंट था यार सच में केकेआर की स्ट्रैटेजी से, जिन प्लेयर्स को हमने जाने दिया। लेकिन अभी जैसे आ रहे हैं मैं थोड़ा बहुत आई एम रियली फीलिंग रिलीव्ड अ लॉट। तो थैंक यू टू वेंकी सर, जो भी केकेआर की मैनेजमेंट टीम थी, अपने फैंस को ऐसा डिसअपॉइंट ना देना। लेट्स होप कि अब तो बस प्लेयर्स का है कि हाउ दे परफॉर्म, तो लेट्स सी। बट टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली रिलीव्ड एज ए केकेआर फैन कि हमारे पास ना एक अच्छा स्ट्रांग एक अच्छी स्क्वाड बनी है। सो या, चीयर्स गाइस, थैंक्स।